अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर सैयद अब्दुल बासित। और आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर हुआ उसके आंसर्स क्या थे, कौन सा न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो एक पेपर का सलूशन है, तो जरा एमसीक्यूज देखते हैं, सारे सेक्शन को डिटेल में देखते जाते हैं इस छोटी सी वीडियो में। द मास ऑफ वेजिटेबल मटीरियल, ये मैंने कल रात को डिस्कस किया था, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, आंसर आएगा क्रिटिकल मास। ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस व्हिच हैज, ये भी मॉडल पेपर के सवाल है, थ्री टर्मिनल आंसर होगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस शुड बी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ज्यादा फोटोन मारेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मारा जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ ऑर्डर ऑफ, बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बुक में दी हुई है वो ये है, बट वैसे एवरेज हम लोग 10^-3 से 10^-5 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करते हैं, बट जो बुक में है वो 0.01 मीटर पर सेकेंड है, तो हम भी यही आंसर कंसिडर करेंगे। For an ideal gas at constant temperature, the graph between volume and one upon p. It means ये direct relation, ये directly direct proportionality के graph है, तो hyperbola नहीं बनेगा बल्कि straight line बनेगा। The lifetime of metastable state, metastable state की lifetime होती है 10^-3 second, आप लोगों को पता ही कल कराया था मैंने। X-ray are produced if heavier atoms are bombarded by electrons. Electrons को मार के हम X-ray के photons निकालते हैं, X-ray production भी पढ़ाई हुई आपको। The quantity is called Compton's wavelength. बेटा Compton's wavelength कहलाती है h upon m not c, जिसकी value calculate होके आती है 2.2461012. Compton's wavelength कहलाती है, Compton scattering भी कहते हैं। इसी तरह the factor of Lorentz vector ये रहा one upon under root minus v upon c का whole square is the Lorentz vector. Transistor in a circuit is in use in a एम्पलीफायर की तरह यूज होता है या तो स्विच की तरह, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस तो डायोड कराते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हम लोग बेटा सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि ज्यादा वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हाई रेजिस्टेंस में आ जाए और कम से कम पोटेंशियल ड्रॉप हमारे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस अक्रॉस हो, क्योंकि वो छोटी रेजिस्टेंस होगी एज कम्पेयर टू हाई रेजिस्टेंस। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल सस्पेंशन वायर को थिक करने से या नंबर ऑफ टर्न कम करने से तार भारी हो जाता है, सस्पेंशन वायर को थिक करने से तार भारी हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओ तो आपके गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी के टर्न ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है सेकेंडरी के टर्न ज्यादा होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, तो बेटा सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे प्राइमरी के ज्यादा होंगे। जी हाँ, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन्स, बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी रखता है और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी रखता है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया पे, डिपेंड करती है डिस्टेंस पे भी करती है, मीडियम पे भी करती है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, पर मीडियम एरिया डिस्टेंस तीनों पर डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती आप बोलोगे सर, नेचर ऑफ प्लेट्स। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट्स, बेटा दो सिमिलर चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीच में क्या होती है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट की होती है, इसको एड अप कर देते हैं हम कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट के लिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है भाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। The quantity of heat required to raise the temperature of unit mass, mass आ गया तो specific heat है। A thermodynamic process in which heat exchange is not allowed is called heat exchange allowed नहीं होता, adiabatic process है, no heat exchange। The atomic number of a radioactive element is increased by emission of, atomic number कब बढ़ता है मैं, atomic number कब बढ़ता है इधर देखें, carbon जो है नाइट्रोजन बन जाता है क्या करके, बीटा इलेक्ट्रॉन निकाल कर, ठीक है तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल आया, ठीक है भाई नेगेटिव बीटा पार्टिकल आया यहाँ पे। गाइगर म्यूलर काउंटर कंटेन्स, ये तो मॉडल पेपर का है, आर्गन एंड अल्कोहल आएगा। थ्री कैपेसिटर 3 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए ये फॉर्मूले से, 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एलसीएम में 3 आ जाएगा, ऊपर भी 3 आएगा, तो आंसर आएगा 1. तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, मे बी मुझसे जल्दी जल्दी में कोई गलती ना हो जाए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में. अच्छा भाई, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को. जब करंट डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगी इस फॉर्मूले से के तहत. पैरेलल सर्किट के अंदर बेटा वोल्टेज सेम रहता है, तो हर रेजिस्टर पे वोल्टेज 6 रहेगा. अब मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. बेटा फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी होती है रेडियस की, वो होती है 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम. बेटा इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो तो पॉइंट को एक पीछे मूव करो तो -9 हो जाएगा, तो 0.053 एक्सपोनेंट -9 मीटर, और -9 नैनो होता है, तो आंसर विल बी 0.053. थैंक यू. और -9 सारे एमसीक्यूज में भी करा देता हूँ आपको इसी वीडियो में. अगला क्या बोल रहा है ये, इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन विल. भाई इधर देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था 1 - T2 / T1. ठीक है, अगर मैं कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वॉयर को कम कर दूं, अच्छा उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 T1 - T2 / T1. तो बेटा T2 को डिक्रीज कर दूं तो अल्लाह आपको भले करे, जाहिर सी बात है T2 कम कर देगा T1 को, तो एफिशिएंसी बढ़ जाए. ठीक है, जाहिर सी बात है भाई एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि T2 का फैक्टर छोटा हो गया तो T1 - T2 छोटा हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आपकी अल्लाह का भला करे इंक्रीज हो जानी है. नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई अगला. 2 अनइक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर हेल्ड. अच्छा जी, दोनों चार्जेस Q1 Q2 / R2 के फोर्स 1 मीटर अपार्ट है फ्री स्पेस के अंदर, एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड. बेटा के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 भी 1 है, ये भी 1 है, रेडियस भी 1 है, तो फोर्स आएगी 10 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन. तो ये सारे आंसर लाइन से एक जैसे हैं, तो मैं इनके कलर चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, और इसका फिर से नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, सारे एमसीक्यूज देख लें ताकि सबको फायदा हो जाए. 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सबको पता है बेटा. द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 8. बेटा 2 और 8 को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है 10 आ जाएगा आंसर, बट इनको अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा देख लेता हूं जल्दी से, क्योंकि इनका दूसरा ऑप्शन रही पैरेलल गया. तो इनको जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, बल्कि स्क्रीन शॉर्ट ट्रिक लगा लो ना, R का फॉर्मूला होता है R1 R2 R + R2. ठीक है, तो 2 × 8 / 2 + 8, क्योंकि दो रजिस्टर हैं, तो ये फॉर्मूला लिख सकता है 16/10, तो आंसर विल बी 1.6. तो स्मॉलेस्ट आंसर 1.6 मिलेगा मुझे. ठीक है भाई, क्योंकि इनको जब पैरेलल कनेक्शन मैं दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला आपको पता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का होता है. The core of transformer is laminated to reduce the loss of energy due to beta lamination. Lamina इसलिए use करते हैं transformer की आपकी core के अंदर, ताकि eddy current, 3D eddy current से बढ़ जाए,
और वन डायमेंशनल एडी करंट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा बनने वाली ईएमएफ को. द म्यूचुअल इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल किस पे होता है भाई, आपको पूरे पता है, आपको समझाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर पे होता है. इट इज एन एक्टिव डिवाइस, हमेशा एक्टिव रहती है सर्किट में. बेटा कैपेसिटर को कहते हैं एक्टिव डिवाइस, हमेशा सर्किट के अंदर. नहीं, एक्टिव है बेटा, एक्टिव डिवाइस ट्रांसफार्मर होती है, क्योंकि एज एन एम्पलीफायर भी काम कर रही थी, एज ए स्विच भी काम कर रही थी, तो ये हमेशा एक्टिव डिवाइस कहलाती है. याद रखिएगा बात. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल. इनर्शियल तब कहलाते हैं, या तो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराओ, तो आंसर विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है भाई, इसी तरह नेक्स्ट पढ़ते हैं. द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन. बेटा पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 1.02 MeV. अब इन्होंने गेम खेला हुआ है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करो, किलो में जाने का तरीका बड़ा सिंपल है, पॉइंट को 3 आगे कर दो, तो 3 पॉइंट आगे आगे 1, 2, 3, तो कि मेगा से किलो बन जाएगा, तो 1020 आएगा आंसर. तो राइट आंसर विल बी 1020 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट कर दें. द पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आएगा इसका, तो पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है. लेजर इज प्रोड्यूस बाय, कल ही पढ़ा रहा था मैं, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो आप देखें जितने कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे ऑलमोस्ट वही एमसीक्यूज में आए, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. और बहुत आसान है एमसीक्यूज. इन रेडियो एक्टिव डीके लॉ एन इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम. ये जो हमारा लैम्डा है बेटा इधर, ये डीके कॉन्स्टेंट कहलाता है. द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस दो टुकड़ों में बट जाए बेटा फिजन कहलाता है, आपको भी पता है. द ट्रैक फॉर्म इन विल्सन क्लाउड चेंबर ड्यू टू बीटा पार्टिकल थिन एंड डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, तो आप बोलोगे थिन एंड ब्रोकन लाइन, भी सही ऑप्शन है. थिन एंड ब्रोकन, थिक एंड ब्रोकन, हाँ बिल्कुल ये सही है. एमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है भाई, तो ये एमसीक्यू ये आंसर की थी, आराम से चेक कर लो आप लोग कितने ठीक हो गए, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर गलत भी हो गए हो जाता है. न्यूमेरिकल मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कौन सा कैसे होगा. पहला तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा मैंने बताया था, मैट्रिक की डेरिवेशन है, हमने मैट्रिक की फिजिक्स में की थी, और इसके चांसेस हैं जब मैं कल की क्लास में डिस्कस कर रहा था कि बच्चों वाली ये मैट्रिक की, ये तुम लोगों को आनी चाहिए और ये आ भी गई है. अगला सवाल बोले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड टाइम आ गया 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछ रहा है जब करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.7 एम्पेयर. बेटा आपको पता होना चाहिए करंट चार्ज का फॉर्मूला होता है IT, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. बेटा क्यू की जगह IT लिखोगे, और I है 0, लिख देता हूँ मैं IT अपॉन दिस वैल्यू. बेटा I की जगह 0.7, टाइम की जगह 1, डिवाइड कर देना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये डिस्क्रीट वैल्यू निकलेगी, मतलब फिक्स होल नंबर में वैल्यू आएगी. पहले हम न्यूमेरिकल, इतना आसान है न्यूमेरिकल दिया उन्होंने. दूसरा गैल्वेनोमीटर एज अ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है, तो आप बोलोगे RG दी हुई है. ठीक है, अच्छा जी. डिफ्लेक्ट फुल स्केल व्हेन अ करंट, डिफ्लेक्शन कब दे रहा है फुल स्केल, 500 माइक्रो एम्पेयर करंट दे, और 50 कितनी दी हुई है, 50 ओम डिफ्लेक्शन 500 एम्पेयर. सही है, मालूम क्या करना है, बोलना है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इन टू एम मीटर ऑफ रेंज. बेटा एम मीटर बनाना है किस रेंज का, 15 एम्पेयर का, और आगे बोल रहे मेरे ख्याल से वोल्ट मीटर भी बनाना है किस रेंज का, 300 वोल्ट का. बेटा इससे आसान न्यूमेरिकल आ नहीं सकते बेटा, इतने आसान एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर लिखोगे इसको. ठीक है, IG को फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे, इधर देखिए. अब इसने अच्छा जी RS और RH दोनों बतानी है, शंट भी बतानी है और हाई रेजिस्टेंस बतानी है. हाई रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है V/IG-RG, इससे पता लग जाएगा कि सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कितनी लगेगी, इसकी वजह से ये वोल्ट मीटर बन जाएगा. और IG/RG I-IG से आपको शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी कि कितनी छोटी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए, एम मीटर. तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया. फोर्थ न्यूमेरिकल NPN ट्रांजिस्टर मॉडल पेपर का सवाल, कल रात को डिस्कस कर रहा था कि मैं आएगा और यह आ भी गया. ये सवाल क्लास में मैंने कराया है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर बेटा, उसको कन्वर्ट कर लेना, तो 486.3 × 10⁻¹ एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम, बाल्मर सीरीज. बेटा बाल्मर सीरीज है तो Ni आ जाएगा 2. ठीक है, और ये आ गई वेवलेंथ.
इसका मतलब बोल रहा है व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन, इसका मतलब बोल रहा है भाई कौन से ऑर्बिट से ये सेकेंड ऑर्बिट में आया है कि ये रेडिएशन उसने इमिट की है। तो फॉर्मूला ये रहा, वेव नंबर जिसको अपन अपन लैम्डा कहते हो 1.097 एक्सपोनेंट माइनस 7, सॉरी प्लस 7, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। फॉर्मूला बता दिया, एन एफ स्क्वायर निकालना है, कैसे निकलेगा ये भी बता देता हूँ। आपका जो 1 अपॉन लैम्डा है उसके साथ 486.3 एक्सपोनेंट माइनस 9 लिखा हुआ है, ठीक है। रेड बॉक्स कांस्टेंट जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, और 1/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, और -1/nf2। अरेंजमेंट करो इसको, सॉल्व करो, nf2 को रूट लगा के हटाना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हो जाएगा, बहुत आसान एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल था ये भी, सारे न्यूमेरिकल आसान थे। सोडियम बेटा ये न्यूमेरिकल भी मैंने क्लास में आखिरी में कराया है, चैप्टर 17 का, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कट ऑफ वेवलेंथ मांग रहा है। अच्छा जी, ये आ गई वेवलेंथ, ये आ गया उसका वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी बतानी है और कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है। तो आप वेवलेंथ छोटा हो जाओ भाई, देखें वेवलेंथ इसने दिए 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर, ठीक है। अच्छा जी, वर्क फंक्शन दिया 2.46, बेटा ये पास पेपर का सवाल है, बहुत बार आया हुआ है। वर्क फंक्शन आ गया 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मांग रहे हैं और कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कट ऑफ, ठीक है। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। और एक और न्यूमेरिकल बता के मैं क्लास ऑफ की जो इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एमसीक्यूज कितने सही किए हैं, न्यूमेरिकल कितने ठीक है। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एच न्यू बाय सी करोगे, एच न्यू को बोल दोगे एच सी बाय लैम्डा ना, एक सेकेंड, सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन आपको पता है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना बाय मल्टीप्लिकेशन विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ वर्क फंक्शन पुट करना, तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जब काइनेटिक, इसको इधर लाके माइनस कर देना इस वैल्यू से। अब जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाए बेटा तो आप क्या करना, एच न्यू नॉट होता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, तो इसको बोल सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा कट ऑफ, ठीक है। और आपके पास जो नॉर्मल फार्मूला है वेवलेंथ का वो क्या होता है आपके पास, इक्वल टू न्यू लैम्डा कट ऑफ। तो आपका दो फॉर्म बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा एच सी बाई लैम्डा कट ऑफ और दूसरा बन जाएगा आपका, एक सेकंड इसको इस तरह करेंगे, बस उसको इस तरह ही सॉल्व कर लेना कि लैम्डा कट ऑफ यहाँ से निकाल लेना, इसको इधर लाके और उसको डिवाइड में लाके, बट आंसर जूल में रखना, एच सी बाय जो वर्क फंक्शन की वैल्यू रखोगे वो जूल में रखना, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ रखी थी तुमने वही रखना, और तुम्हारे दोनों आंसर आ जाएंगे लैम्डा के मीटर में और काइनेटिक एनर्जी के जो आंसर हैं जूल में आएंगे उसको वापस से कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अगला सवाल चैप्टर नंबर 12 का सवाल है, बड़ा आसान है। प्रोटॉन का मास है मोशनलेस हेल्ड किया गया है तो उसकी फोर्स कैसे निकालते हैं, वेट के बराबर होती है एम जी से, तो मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, ग्रेविटी पता है तो फोर्स निकाल लोगे, ठीक है। आगे बता रहा हूँ मैं कैसे करोगे, फिर क्या करना है, मोशनलेस हेल्ड कर रहा है, दो प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1.02, ये पास पेपर के सवाल है, बिल्कुल पास पेपर का है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बताना है ना, और 1.02 10 की पावर 8, यहाँ से फोर्स निकालोगे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो दिया 1.02 10 की पावर -8 वोल्ट। बेटा जब फोर्स आ जाएगी तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके इस फोर्स को, और फिर तुम्हें पता है ई का वी का फॉर्मूला होता है ई डी, वी का फॉर्मूला होता है ई डी, ई तुम्हारे पास है वी तुम्हारे पास है तो डी आ जाएगा तुम्हारे पास। इस तरह तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं था, ना ही कोई एमसीक्यू मुश्किल था, सब क्लास में डिस्कस हुआ था। अब आते हैं फाइनल लॉन्ग पे,
तो लॉन्ग को गौर से देखो, मैंने कल क्लास में कहा था कि भाई गैल्वेनोमीटर और कैपेसिटर देखना जरूर, और यहाँ देख लो, और कार्नो इंजन का कहा था मैंने, कार्नो इंजन, कैपेसिटर, गैल्वेनोमीटर और बोहर के मॉडल का कहा था मैंने। तो ये चार क्वेश्चन मेरे कहे हुए लग गए, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड दोनों आ गए, ट्रांसफार्मर और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट चार लॉन्ग फिर भी लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेपर जरा सा भी मुश्किल नहीं था। आई होप आपको, अब आप न्यूमेरिकल समझ गए होंगे कि आपने सही किए हैं नहीं, और एमसीक्यूज भी मैंने सारे आपको आंसर की दे दिए। अपना ख्याल रखिएगा, और विल्सन क्लॉड चेंबर कन्फर्म सवाल था, फिजन फ्यूजन के बारे में मैंने कल कहा था कि जरूर पढ़ना, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कल की क्लास में। और इसके अलावा थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या आया, और क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का बिल्कुल, और बीटा जुगो थ्री अल्फा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी इस पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको सबका क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल सही हुआ होगा, इंशाल्लाह सबके अच्छे मार्क्स आने वाले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।